चलाऊंगी जो एक गहना है ना, क्या गहना है गुरु? चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। चाहने चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है, और वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, क्योंकि दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। एक धुन बजी है, कौन सी कौन सी और कहा फिल्म दुनिया वालों, क्या कहा है फिल्म वालों ने कि कब मैं किसी से कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब सोला श्रृंगार करूंगी, अरे मुख देखूंगी दर्पण में वो दर्पण कैसा होगा, अरे मुख देखूंगी दर्पण में वो दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो माता रानी के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां हैं। बिल्कुल अच्छी बात। माता महाकाली क्रोध में दमदमाई है, क्रोधित है, दुष्टों का संहार कर रही है, और माता इतनी क्रोधित हो गई कि दैत्य को मारते मारते मां देवताओं को मारने लगी, देवताओं को मारने लगी तो भगवान शिव को आना पड़ा। कुछ दैत्य अपनी जान बचा के भागे, लेकिन भाग कर कहां जाएंगे, बच नहीं पाओगे, भागते चले जा रहे हैं, आगे कुछ और दैत्य मिल गए, कहां कहां भागते जा रहे हो, कहां भागे जा रहे हो,
अरे कहा वो भगवान शिव की पत्नी ने काली का रूप धारण किया और दैत्यों का वध करने लगी और वो दैत्यों को मारते मारते देवताओं को मारने लगी। तो उनके पति भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया, रोका नहीं है। तो देखो वो दैत्य उन दैत्यों को पता कैसे रहे, कैसे बता रहे हैं गुरु जरा पति आए देव। कहा सुनिए वो काली, अरे सुरवा असुर को सुनिए गोपाली सुरवा असुर को काट रही है। इतना नहीं, लहू भी उनका जाट रही है। राखी जी सुरवा असुर को काट रही है, लहू भी उनका चाट रही है। तो कहा जब इतना कर रही तो उनके पति भगवान शिव शंकर ने रोका रही, बोले भगवान शिव आए लेकिन लेट गए, बहुत गए लेट गए, विरोध नहीं किया। बोले ना फिर सुनिए विरोधी नहीं किया, अरे घरवाला ही स्वयं डरे, घरवाली कैसी होगी। और जब महाकाल है ऐसे तो महाकाली कैसी आशीर्वाद। क्या बात है हमारे अजय भैया जिनके माध्यम से हम दोनों कलाकार आए हैं, बहुत बढ़िया। और दिन भर से हम लोग आए तो बड़ी सेवा भाव में आप लग रहे हैं, से प्रणाम है आपको, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। औल्यो सम्मान्य आदरणीय श्री रमेश गिरी जी, आपके कर कमलों से ज्ञान मुद्राएं हैं, माता रानी आपका भंडार भरा रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। औल्यो वाह, और ये 11 मुद्राएं बड़े ज्ञानी महाराज की ओर। चलिएगा सुनिएगा, सुनिए आप लोग, महाकाल और महाकाली दोनों को प्रणाम है, जय हो मैया। राखी जी काम मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या क्या कि हाय पला या कला। बोले पला है या कला है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, न कभी आएगा कि है पला या कला, पता कुछ भी नहीं चला, पता कुछ भी नहीं चला। क्या क्या के घर वाले पर चरण धरे, क्रोध में चली आ रही है काली, भगवान शिव लेते हैं, चली आ रही है जैसे ही पैर पड़ा माता काली का, देखा ये तो मेरे पति हैं, तो माता की जिभ्या निकल आई, पैर ऊपर करके रह गई, जिभ्या निकल आई माँ की जिभ्या, और जब पहलवाला
तो शेरा वाली कैसी हो, जब पैर वाला ऐसा तो शेरा वाली कैसी हो। आइए आइए अगली बात में। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी स्वामी मुझको भूख लगी है। तो भगवान शिव ने कहा, अंदर देख लो कुछ खाने को हो तो ले लो, आओ किचन में चली जाओ। माता पार्वती ने कहा, स्वामी अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवान शिव ने मजाक में कह दिया, तो हमको खा लो। और कहा हमको खा लो। अच्छा भगवान शिव ने कह दिया हमको खा लो, तो माता पार्वती भगवान शिव को खा गई। और भगवान शिव धुआं बन के निकल आए, माता का नाम पड़ गया धूमावती। ये पढ़ाई लिखाई के मजे बेटा। देवी को तो शिव के सिवा कुछ नजर न आए। देवी को जब भूख सताए, शिव के सिवा कुछ नजर न आए। राखी जी अरे घर वाले से पेट भरे घर वाली कैसी हो। एक बात आपके समझ में आएगी, बस ऐसे सुनना है आप। भगवान भोलेनाथ 11वें रुद्र रूप में हनुमान बन के चले। तो माता पार्वती ने कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो स्वामी। कहा राम जी का जन्म हो गया है, मुझे भी जाना है। तो माता पार्वती ने कहा, हम भी चलेंगे स्वामी। तो कहा, वहाँ नारी की जरूरत नहीं है, हम तो बाल ब्रह्मचारी बन के जा रहे हैं। वहाँ नारी की नो एंट्री है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी तुम तो कहते थे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हम ये मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। हमको अकेले छोड़ के जा रहे हो, हमको साथ चलेंगे। जिए बिन देह न दिए बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शाम को साथ चलेंगे, बाल है तो राज है तो त्रिया हट। जिद करनी माता पार्वती ने के स्वामी हम भी चलेंगे। भगवान शिव ने कहा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी बन के जा रहा हूँ, नारी की जरूरत नहीं है। लेकिन भवानी तुम्हारी जिद है तो तुम मेरी पूंछ बन जाओ। पूंछ बन जाओ तो माता भवानी पूंछ बन गई। आप ध्यान दीजिएगा, पूंछे से तो परेशान है लोग। सुनिएगा, अब जब माता भवानी पूंछ बन गई तो अरे काली पूंछ पे लेवल पर पहुंचाएंगे बेटा। शाबाश,
यूट्यूब के माध्यम से। तभी की पूछ पे क्या है शंका, कब फूंक ही डाली वो सोने की रंका। तो कब की पूछ पे क्या है शंका, फूंक ही डाली सोने की रंका। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हाँ सुनिए। इस लाइन को, घर वाले के पति के तन में है माता भवानी पूछ बनी है। हाँ सुनना इस लाइन को ध्यान से सुनना। तो घर वाले के तन में पले घर वाली कैसी होगी। राखी जी, हाँ घर वाले के तन में चले घर वाली कैसी होगी। और जब आगे वाला ऐसा तो पीछे पीने वाला ऐसा पिलाने वाली कैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा भी आदरणीय मारे अजय विजय जी को है। बहुत अच्छा गीत और बहुत सुंदर जवाब। अभी गाया जा रहा था, सुंदर सवाल जवाब के बाद सुंदर सुंदर टीका टिप्पणी भी आप लोगों ने सुनी है। कह रहे थे माता माता हरे रंग की नहीं हो गई, साग सब्जियां जो पैदा हुई थी वो हरे रंग की थी, माता हरे रंग की नहीं थी। और फिर आपने कहा कि काले रंग में और श्याम रंग में बहुत अंतर होता है। वाह, मैं आपको क्या बताऊं श्रीमान जी। उधर भैया थोड़ा शांति बनाए रखे आप लोग, बड़ी दया होगी आपकी। आपने कहा माता हरे रंग की नहीं हुई, साग सब्जियां हरे रंग की थी। अच्छा धरती उसको माँ नहीं कहा जाता क्या धरती को माँ नहीं कहा जाता है क्या? धरती माता नहीं होती है? होती है बेटा। अरे भैया आप लोग चाय बांट रहे हो कि क्या कर रहे हो? चाय बांटो मगर चाय चैना करो, थोड़ा धीमे धीमे। अभी इतनी देर से चाय मांग रहे थे तब चाय नहीं आई। एक चाय बटा दो भैया। चलो कोई बात नहीं। और मैंने तमाम रंग आपके लिए छोड़ रखे थे। जो रंग मैंने गाए उसके अलावा भी कई रंग बच रहे हैं। लेकिन आपने रंगों को एक किनारे कर दिया और आप जवाब लेकर आए हैं। कौन सा?
के माही सर्वेश्वरी बन गई और माता राजेश्वरी बन गई, माता मुक्तेश्वरी बन गई। अरे राम राम, पी ले दो चाय, पी ले दो तब गाओ। मुक्तेश्वरी, नागेश्वरी, सर्वेश्वरी, अरे ये सब तो माँ के नाम है ही, लेकिन मैंने एक रंगों की विशेषता आपको अपने गीत में बताई थी और जो रंग मैंने गाए, ठीक है ठीक है, जो रंग मैंने गाए उनके अलावा भी कई रंग आपके लिए मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन आपके लेखक की नजर रंगों तक नहीं पहुंची। ना बेटे ना, बस नजर यहाँ तक पहुंच गई कि वो माता हरी नहीं है, सब्जियां हरी हैं, धरती है। थोड़ा दिमाग रखिए, धरती को भी माता ही कहा जाता है। बिल्कुल, धरती भी माता ही होती है, इसलिए मैंने कहा था कि माता हरी तांबरी बन गई, ओ माहिशा तांबरी बन गई। लेकिन खैर छोड़िए, छोड़ो बेटे, भैया थोड़ी देर के लिए चाय बंद कर दो, आप आपके हाथ जोड़ ले, थोड़ी देर के लिए। ये चक्कर खत्म हो जाए उसके बाद बांटिएगा। तमाम अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं और एक अच्छा सा गीत भी दिया है आपने। बिल्कुल, बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें आपने जोड़ी हैं। आप कह रहे हैं क्या, घरवाली से जो डरे भैया, देवताओं ने कहा कि उनके पति ने कुछ नहीं कहा, तो कहा उनके पति तो आए और लेट गए। वाह, उनके पति आए लेट गए, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो आपकी लाइन बोल रही है क्या, घरवाला ही स्वयं डरे, घरवाली कैसी हो,
बात बताइए मुझे, काली माता से भोलेनाथ डरते थे? भोलेनाथ डरते थे उनसे? भोलेनाथ डरते हो या न डरते हो, हमको ये जरूर डरते हैं। कम से कम ये तो सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं। फिर दूसरी बात, बैल वाला ऐसा तो शेरा वाली कैसी होगी? जब आप माँ काली की बात कर रहे हैं तो वहाँ काली का वाहन शेर नहीं है, फिर शेरा वाली हो गई। वो काली माँ अलग है और शेरा वाली अलग है, ये माँ के दोनों रूप अलग अलग हैं। बैल वाला शेरा वाली केवल तुकबंदी मिलाने के लिए आपने जोड़ दिया, कोई बात नहीं, आइए मैं कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा घर वाला ही स्वयं डरे, घर वाली कैसी होगी? अरे महाकाल है ऐसे, महाकाली कैसी होगी? आइए भैया जी, ये पहला जवाब दे रहे हैं, जरा सुने आप लोग। आपने कहा माता रानी पूछ बनकर के आ गई, आगे वाला ऐसा तो पीछे वाली कैसी होगी? बस यही से मुझे जवाब लिखने का रास्ता मिल गया। सुने आप, सुनिए। एक बार क्या हुआ, क्या हुआ? अरे श्राप जब ही ऋषियों ने सुनाया, क्या बात है तू? तो श्राप जब ही ऋषियों ने सुनाया, किसे? किसे? मैं बात उस समय की कर रही हूं जिस समय बाबा भोलेनाथ सावन के महीने में ससुराल पहुंच गए होली खेलने। समझते रहिए, होली खेलने पहुंच गए, माता की सखियां आई और सखियों ने ऐसा गुलाल फेंका कि वो गुलाल बाबा भोलेनाथ के गले में जो नाग लिपटा हुआ था उस नाग की आंख में जाकर के चला गया। और जब वो गुलाल आंख में चला गया तो उस नाग ने अपना फन पटक दिया चंद्रमा पर, चंद्रमा से अमृत का रिसाव शुरू हो गया, अमृत टपकने लगा। और जब अमृत टपका वो अमृत गिरा भगवान भोलेनाथ के बागंबर पर, तो वो बागंबर शेर बनकर के जिंदा होकर के भाग खड़ा हुआ। वो शेर बनकर के भाग खड़ा हुआ। अब बाबा भोलेनाथ दिगंबर बने खड़े हुए हैं। और जब उनको सुध आई कि मेरे तो पैगंबरी गायब हो गया, तो बाबा भोलेनाथ भी भागे वहां से, बड़े जल्दी में भागे भागे चले आ रहे थे। और जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते से सप्तऋषियों की पत्नियां जा रही थी। सुनते रहिए भैया, सप्तऋषियों की पत्नियां जा रही थी। और जब बाबा भोलेनाथ को नग्न अवस्था में उन पत्नियों ने देखा तो सप्तऋषियों की पत्नियां भोलेनाथ को देख करके मोहित हो गई, उन पर मोहित होने लगी। तो सप्तऋषियों ने भोलेनाथ को श्राप दे दिया, कहा भोलेनाथ आप ऐसी अवस्था में मेरी नारियों के सामने से गुजरे हो, जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं कि इसी समय तुम्हारा लिंग कट करके धरती पर गिर जाए। धन्यवाद है। और उनके श्राप से जब बाबा भोलेनाथ का लिंग कटके धरती पर गिरने लगा, तो बाबा भोलेनाथ के
उस लिंग को संभालने वाला कोई था नहीं। हाँ। तो लेकिन माता ने क्या किया सुनिए। श्राप जब ऋषियों ने सुनाया और श्राप का फल हो और जब वो लिंग धरती पर गिरने लगा तो क्या हुआ? घटना सबकी जानी मानी विजय जी। अरे घटना सबकी जानी मानी अरे भापन कर आई भवानी। जो शिवलिंग है वो साक्षात भोलेनाथ का रूप है और जो नीचे अर्घे का आकार होता है वो साक्षात माँ का अवतार है। इसलिए तो घटना सबकी जानी मानी अर्घा बन कर आई भवानी। तो कह रही हूँ क्या? और अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी आप लोगों का। ओ भैया आपकी चाय मेरी आय में बाधा बन रही है। हाँ, चाय दीजिए सबको बराबर दीजिए। अगली लाइन सुने आप लोग। आपने बताया माता को बड़े दूर से भूख लग रही थी। हाँ। तो बाबा भोलेनाथ का जाओ अंदर जाके देखो कुछ खा लो। किचन में। वाह इंग्लिश कैलाश पर्वत पे बहुत बड़ी किचन बनी हुई थी। इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं कोई मजाक। माता ने कहा किचन में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब शंकर जी ने मजाक में कह दिया तुम हमी को खा लो। मजाक में नहीं श्रीमान जी। माता की भूख इतने तेज बढ़ती जा रही थी। लेकिन खाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था और माँ की भूख बढ़ती ही जा रही थी। माता ने आए देखा ना पाए देखा, उनको सामने भोलेनाथ नजर आए और उन्होंने भोलेनाथ को ही खा लिया। आपके गीत में माता ने भोलेनाथ को खा लिया, लेकिन जवाब सुनिएगा। सुनिए। एक बार माता गौरा की सखियों ने एक बार माता गौरा से मजाक किया। और मजाक में क्या किया? क्या किया? अरे सखियों ने शिवा को काट दिया है। Yeah!
भोजन पर आमंत्रित हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने माता गौरा को काट काट के उनके शरीर का भोजन बना दिया, सब्जी बना दी और वो सब्जी सब में परोस दी। बाबा भोलेनाथ ने पहला निवाला खाया, उनको याद आया मेरी पत्नी नहीं दिखाई पड़ रही है, और जैसे ही आवाज लगाई तो पेट के अंदर से आवाज आई, स्वामी मैं तो आपके पेट में चली गई हूँ। देखा हुआ क्या? सुनिए, तो शिव शंकर ये सोच रहे हैं, मन में ये संकोच रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ क्या? अरे घर वाला है ऐसा, भैया रखवाला है ऐसा, और रखवाली कैसी होगी, और बाहर वाला ऐसा तो अंदर वाली कैसी होगी। क्या बात है बेटा, वाह।